चलो आगे देखो, अगला बड़ा ही खतरनाक टॉपिक है भैया, समतुल्य परिमेय संख्या। ये खतरनाक है नहीं, आप लोग इसे बना दिए हो, यानी इक्वालेंट, क्या बोलेंगे इसे, इक्वालेंट रेशनल नंबर। ये क्या होता है, बहुत ही आसान होता है, आप इसमें पढ़े होंगे समतुल्य भिन्न। हाँ, तो चाहे समतुल्य भिन्न बोलो या समतुल्य परिमेय संख्या बोलो, मतलब एक होता है। हाँ, क्योंकि जो भिन्न होती है ना लगभग वो सभी परिमेय संख्याएँ होती हैं, लेकिन अभी ये नहीं कि हाँ सब होती हैं। देखो यहाँ पे, जैसे अगर मैंने लिख दिया 3/7, तो ये एक भिन्न भी है, फ्रैक्शन भी है और रेशनल नंबर भी है। अगर कहा जाए इसका समतुल्य यानी इक्वलेंट रेशनल नंबर बताओ, तो क्या करोगे आप, कोई एक नंबर लोगे, उससे दोनों मल्टीपल कर दोगे ऊपर नीचे, तो इससे एक और नया फ्रैक्शन हमें मिलेगा, 3 × 2 = 6 और 7 × 2 = 14 मिलेगा ना। हेयर 3/7 इज इक्वलेंट टू 6/14, यानी यहाँ पर जो 3/7 है वो 6/14 के बराबर है। बराबर तो नहीं कह सकते, वो समतुल्य है, बराबर नहीं है, समतुल्य है। समतुल्य है का मतलब क्या है, ये इसका बच्चा है, समझ गए कि नहीं, मतलब कि इनके जो पापा हैं ये डैडी हैं। कैसे, देखो अब आपने ये तो सुना होगा ना कि भाई बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, क्योंकि पाकिस्तान भारत से ही तो निकला है, ये आपने सुना जोक कि नहीं। तो बस वैसे कहने का मतलब ये समझ लो कि जितने भी लड़के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, पिताजी के माध्यम से ही पैदा होते हैं, उन्हीं से होते हैं, यानी क्या है, उन्हीं की संतान है। तो ये जो मैं कहने वाला हूँ यहाँ पर आपको घुमा फिरा करके, इसको हम 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो ये फिर मिल जाएगा। बोलो मिल गया कि नहीं, ये मिल गया इससे ना, समझ गए। तो क्या है ये, आप तरीका समझ गए इसकी, आप चाहे जितनी समतुल्य भिन्न निकाल लो अनंत, मान लो कि आपसे कोई क्वेश्चन करता है 3/7 का समतुल्य भिन्न बताओ, और आपने बता दिया 6/14, आपका साथी है वो क्या किया, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा लिया ज़्यादा, और उसने इसमें 5 से गुणा कर दिया। अब वो बता रहा है कि 3 × 5 = 15, 7 × 5 = 35, अब वो बता रहा नहीं 6/14 तो आप बता रहे हो, मैं तो बता रहा हूँ 15/35 होगा, तो आप कहोगे मतलब इसका गलत है, मैं बेवकूफ़ हूँ का, मतलब कौन बेवकूफ़ है, किसका गलत है। तो आप कोई बेवकूफ़ नहीं, दोनों सही हैं, दोनों का सही है, यानी आप चाहो तो 5 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, 2 से कर लो, 8 से कर लो, 10 से कर लो, जिससे तुम्हारा मन करे उससे कर लो, समझ गए ना। तो ये होती है समतुल्य भिन्न। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात एकदम मतलब ईंट मिट्टी की तरह बैठ गई होगी कि भैया गुणा कर लोगे तो समतुल्य भिन्न मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं कहीं भाग करके भी समतुल्य भिन्न निकाली जाती है। समतुल्य का मतलब समझो, इक्वालियंट, इक्वालियंट यहाँ पे लिखा ना, मुझे इंग्लिश तो नहीं आती लेकिन मैं लिखा हूँ आपको समझने के लिए। हाँ, इक्वालियंट फ्रैक्शन, देखो क्या होता है ये। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप काहे बताते हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती। भाई मुझे शर्म नहीं लगती है, मतलब एक प्रकार से मैं बेशरम हूँ। हाँ, अब मतलब वो मत समझ लेना बेशरम का मतलब, यानी आपके अंदर जो कमी है ना आप उसे छुपाइए नहीं, आप खुद भूल जाओगे, अगर खुद भूल जाओगे तो दूर नहीं होगी, इसलिए आप उसे याद दिलाते रहो कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं फिलहाल, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत आ जाता है। देखो इधर, लेकिन जो इस तरह की प्रॉब्लम है उसको बताने में शर्म नहीं आनी चाहिए। अब आपको मैथ नहीं आती, नहीं बताओगे तो कैसे आएगी। देखो हाँ, भाग करके भी ये बनता है, कैसे, बहुत ही ध्यान से देखो, ईमानदारी से देखोगे तो ठीक है, नहीं तो देखने को तो बहुत लोग बहुत कुछ देखते हैं ना। देखो जैसे 14/28 लिखूँगा तो कहोगे नहीं काटने के लिए लिख दियो। अब इसकी मैं इक्वलेंट फ्रैक्शन बोलूँ इसकी, तो आप एक काम कर सकते हो, इसमें 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, आप इसे 7/13 भी लिख सकते हो। यानी भैया ये समझ लो कि जो 7/13 है इसकी समतुल्य भिन्न ये 14/26 भी है। बात समझ में आई ना, यानी समतुल्य भिन्न निकालने के लिए हम भाग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ गुणा करें। क्यों, क्योंकि हम इससे फिर से ये ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, देखो हम इसमें 2 से गुणा कर दो, दोनों में 2 से मल्टीपल कर दो, ये 14/26 आ गया, देखो फिर से आ गया ना, मतलब इससे ये उससे वो, समझ गए ना, बात समझ में आ रही। इसे केमिस्ट्री में बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन बोलते हैं ना, केमिकल रिएक्शन एक होता है, एक फिजिकल रिएक्शन होता है। थोड़ा सा केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात आ गई तो
फिजिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जो क्रिया हुई है ना उससे अगली क्रिया फिर से हो जाए, मतलब ऐसे होता ना, आप अगर पढ़े होंगे 12th में साइंस वगैरह तो ऐसे कैसे बनता है यार, ये इधर को आ रहा है ये इधर को, ऐसे ही होता है ना, इधर से इधर। देखो ये कब होता है ना, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि एग्जाम्पल दूध से दही बनाना, दही से दूध बनाना, तो आप कहोगे हैं एकदम बेवकूफ़ बना रहे, इसका मतलब दूध से दही तो बन जाएगी लेकिन दही से दूध कहाँ बनेगा, तो नहीं बनेगा, सही बात है। लेकिन अगर मैं कोई और ऐसे एग्जाम्पल बात करूँ, जैसे मान लो मैंने शरबत बनाया, उसे क्या बोलते हैं आप लोग अपनी भाषा में बोलते होंगे, जैसे चीनी घोल लिया पानी में, उसमें नींबू डाल दिया, तो क्या बना, चीनी तो घुल गई, वो एक पेय पदार्थ बन गया एक प्रकार से ना। लोग भाई भारत देश में जो गांव देहात के लोग हैं जानते होंगे, शहर वाले पता नहीं जानते कि नहीं जानते। लेकिन अगर आप उसको पानी को सुखा दो अच्छे से, तो आप चीनी उसमें से प्राप्त कर सकते हो कि नहीं, मतलब पकाओगे अच्छे से, अगर आपने चीनी अच्छी डाला है, मतलब एक आध किलो आधा किलो बनाया है कुछ, एक आध बाल्टी दो चार दस लीटर, तब बता रहा हूँ। ये नहीं कि आप एक गिलास बना लिए तो उसमें चीनी निकालोगे गर्मा के, चीनी निकलेगी। हाँ, तो यानी उसमें से क्या है, आप फिर से वो चीज़ पा सकते हो ना दोबारा। और ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जिसमें से आप पा सकते हो, जैसे आप एक काम कर सकते हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, आप सोच के बताना ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी एग्जाम्पल समझ लो, थोड़ा फ्रुक जो बता रहा हूँ। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, नमक घोल सकते हो, याद आ गया, सबसे आसान और सबसे सस्ता, गरीबों के घर में भी होता है नमक। नमक आप पानी में घोल लो, एक किलो नमक घोल लो 2 लीटर पानी में, तो क्या बन जाएगा, एक पदार्थ बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसे सुखाओगे फिर से, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे, तो फिर से आप उस नमक को प्राप्त कर सकते हो। मतलब एक बार तो आपने नमक को घोला था, कुछ नया चीज़ बन गया था, लेकिन फिर सुखा के आप नमक पा सकते हो। तो उसी क्रिया को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन, नहीं बोलते ना शायद, आप बताना, भौतिक क्रियाएं जिन्हें बोलते हैं। तो फिलहाल हमारा कहने का ये मतलब था यहाँ पर कि हमने 14/26 से 7/13 लाया था, और 7/13 से फिर से 14/26 आ गया, यानी ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है। हाँ, नोट कर लो, यह बात आप समझ गए होंगे, समतुल्य भिन्न क्या होती हैं, आप भाग करके या गुणा करके दोनों दशा में प्राप्त कर सकते हो। कुछ छात्र पूछते हैं, भैया ये बगल में कहाँ रखे हो डिब्बा जैसे, तो ये क्या है, ये YouTube के द्वारा दिया गया एक सिल्वर अवार्ड है। इसको मैं बार बार दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछते हैं, फिर कमेंट में कोई बता नहीं पाता है कि सर उधर जो रखा था क्या है। ये YouTube की तरफ से उसको दिया जाता है, जो भी क्रिएटर या जो भी चैनल हैं जो अच्छा काम करते हैं, और मतलब 1 लाख उनके सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं उसके बाद मिलता है। अब तो 2 लाख होने वाला, ये लगभग साल भर हो गया, आया बहुत दिन से आया हुआ है, अभी तक ये अलमारी में बंद था, लेकिन फिर एक दिन हमारे एक मित्र ने मतलब इसको देखने की इच्छा जताई, तो उन्होंने कहा इसको बंद करके काहे रखे हो, अब ये जिस माध्यम से आया इसको यहाँ पर दिखाया करो बच्चों को। तो मैंने कहा चलो टेबल पर रख देते हैं, तो ठीक है, सुबह शाम कभी देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि भाई कुछ तो अच्छा हो रहा है ना, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, है ना। ये US से आता है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका से आता है, क्योंकि YouTube जो कंपनी है ना ये अमेरिका की है, गूगल जो है वो भी अमेरिका का है, व्हाट्सअप भी अमेरिका का है। यार बड़ी शर्म की बात है कि हमारे यहाँ की कोई ऐसी बड़ी कंपनी क्यों नहीं है। इसको लिख लीजिए, और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने भी जीवन में गूगल, YouTube, Facebook जैसी कोई बड़ी कंपनी बनाएंगे, क्योंकि